अउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। देखिए, मुझे मैसेज आया कि एनास्टमोसिस ऑन एल्बो जॉइंट, वो एक अच्छा सा ड्रा करके दें। तो मैंने कहा कि चलें मैं कोशिश करता हूँ, अगर कोई गलती हो तो काइंडली बता दीजिएगा। तो सबसे पहले जमाना बेस्ट अटैम्प्ट करने का जो मैं करता था ना, वो था, देखिए एल्बो है ना ये वाली, ये तो मेरी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट आर्म है क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ, आप जानते होंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी से बनाते हैं, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले आपने बनाना है ऊपर से जनाब ये ह्यूमरस बनाएंगे, ये आपने मार्कर और पेंसिल के साथ ही बनाना है, मैं क्योंकि समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए ऊपर से ह्यूमरस हो गया, यहाँ पर एक वो ट्रोक्लियर प्रोसेस होता है, यहाँ पे जनाब एक होता है कैपिचुलम हो गया, ठीक हो गया। नीचे आपने बनाना है अल्लाह, और ये यहाँ पे बना देना है रेडियस, ये हेड हो गया, ये नेक ऑफ द रेडियस, ये ट्यूबरकल ऑफ द रेडियस, और ये सारे के सारे शाफ्ट ऑफ द रेडियस, क्योंकि हमारा एल्बो जॉइंट के साथ कंसर्न है, ये लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस, अपर एंड ऑफ द अल्लाह और अपर एंड ऑफ द रेडियस। ये आपने पेंसिल के साथ जल्दी से ड्रा करना है। उसके बाद मैं हाँ आर्टरी है क्योंकि मैं रेड से बना रहा हूँ, आपने लेकिन यूएचएस के एग्ज़ाम में हर चीज़ मार्कर, ब्लू मार्कर और ब्लू बाल पार्ट से ऊपर से जनाब आ रही है आम के ऊपर में ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी जनाब ये एल्बो जॉइंट पे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक हो जाती है रेडियल जो लेटरल साइड ऑफ आर्म जाती है, और एक होती है मीडियल आर्टरी जो होती है ना वो होती है अल्लन, उसे कहते हैं। ये ब्रेकियल एंड पे हम देखें, मैं इसके नाम भी मेंशन करूंगा, आपने सब्र रखना है, ये रेडियल ये अल्नर, ब्रेकियल आर्टरी डिवीजन होगी। और हम जानते हैं कि एक्सिलरी रीजन में जो है ना वो ब्रेकियल आर्टरी बिल्कुल जब एक्सिला को क्रॉस करती है तो वो एक वो ना पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म एक प्रोफंडा ब्रेकिया देती है, क्योंकि यहाँ पे पेज का मैं चले मैं ये सपोज कर लें कि यहाँ पर ना यहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी वो एक्सिलरी आर्टरी जो ब्रेकियल आर्टरी में जब टेरिस मेजर को क्रॉस कर रहे थे तो वो प्रोफंडा ब्रेक है, ये वो पिछली साइड से आ रही थी बैक ऑफ दी आर्म से, तो वो मैं डॉटेड लाइन से जाहिर कर रहा हूँ, आपने भी सेम इसी तरह बनाना है, ठीक हो गया। और ये जनाब लेटरल साइड ऑफ दी आर्म पे आएगी, दो में डिवाइड हो जाएगी, एंटीरियर डिसेंडिंग पोस्टीरियर डिसेंडिंग। अनास्टमोस के लिए हमेशा ये कि ये उल्टा भी आपने बनाना है, अगर ऊपर से आ रही तो उल्टा भी, नीचे से आ रही तो वो फिर सही वाला भी बनाना है। अब मीडियल साइड पे आपने जनाब ब्रेकियल आर्टरी की दो ब्रांचेज बनानी है, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल और बनानी है इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल, ठीक हो गया। अब ये जो अल्नर आर्टरी थी ना, पहले एक साइड की आप पूरी कर लें, तो अल्नर आर्टरी से दो निकलेगी, एंटीरियर अल्नर रिकोरेंट पोस्टीरियर अल्नर रिकोरेंट, ओके हो गया। अब ये जो रेडियल आर्टरी थी ना, इसके से आपसे ब्रांच निकाल लेंगे, क्योंकि ये नीचे जा रही है फोर आर्म में, यहाँ से एक ब्रांच निकालेंगे रेडियल रिकोरेंट। अब इसका कहानी रहेगी, तो हम जानते हैं कि मैं अब ब्लू मार्कर से बना रहा हूँ कि जो अल्नर आर्टरी है ना वो एक ब्रांच देती है कॉमन इंट्रोशियाई, कॉमन इंट्रोशियाई, कॉमन इंट्रोशियाई फिर दो में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर साइड से इंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी और पोस्टीरियर फोर आर्म में जाती है पोस्टीरियर इंट्रोशियस। आर्म में हमने पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्ट जो है ना वो एनास्टमोस में आती है, ठीक है। अब ये कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी ये एंटीरियर इंट्रोशियस में बना दी, ठीक हो गया। और अब ये पोस्टीरियर इंट्रोशियस तो मैं डॉटेड लाइन से जाहिर कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, पोस्टीरियर इंट्रोशियस, पोस्टीरियर इंट्रोशियस ये एक ब्रांच देती है जो यहाँ पे आके एनास्टमोस करती है। देखें हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया सारे का सारा एनास्टमोस। अब ये जो है ना जहाँ जहाँ एनास्टमोस मर रहा है आपने वहाँ ये इस तरह करके ना बना देना है ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए। देखिए जितना आपकी राइटिंग आपकी डायग्राम आपकी जो है ना तैयारी को और आपकी शख्सियत को भी यही दिखाती है कि आप कितने आला ज़र्फ़ के मालिक हैं और कितनी खूबसूरती से अपना पेपर हल कर रहे हैं। अब मैं इसको जल्दी से इसे लेबल कर देता हूँ, मेरा ख्याल है मुझे मार्कर से करना चाहिए। ये हो गया जनाब ब्रेकियल आर्टरी,
मैं शॉर्ट से ले रहा हूँ, वीडियो लंबी होती जा रही है। ये हो गया सुपीरियर अल्नर कोलेटरल, और ये वाला हो गया इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल, दोनों अल्नर साइड पे, इसलिए अल्नर। ये हो गया एंटीरियर अल्नर, क्योंकि ये अब ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये इसे हम जो ऊपर की तरफ जा रही है उसे कहते हैं रिकोरेंट। स्पेलिंग आप अच्छी से लिखिएगा। और ये हो गया पोस्टीरियर अल्नर रिकोरेंट, इसको आप देंगे अल्नर आर्टरी, इसको देंगे रेडियल आर्टरी, इसको देंगे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है तो रेडियल से आ रही है, तो रेडियल रिकरेंट। और ये वाली जो है ना, हाँ ये आ जाएगी प्रोफंडा ब्रेकियाई। ये हो गया एंटीरियर डिसेंडिंग, हो गया एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। और ये हो गया पोस्टीरियर डिसेंडिंग, ठीक हो गया। अब ये वाली जो थी ना, हमने इसे कहा था कॉमन इंट्रोशियाई, एंटीरियर इंट्रोशियाई, ये वाली थी पोस्टीरियर इंट्रोशियाई, और ये थी इंट्रोशियाई रिकरेंट हो गया। और इसके बाद आप बोन्स को लेबल कर देंगे। ये मेरी थी लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस, ह्यूमरस, ये थी अपर एंड ऑफ टिबिया, और ये थी अपर एंड ऑफ, ओह सॉरी टिबिया कह रहा हूँ, अपर एंड ऑफ द अल्ना, टिबिया तो लेग में होती है। देखें यही चीज़ें जो है ना, अपर लिम और लोअर लिम में हमेशा आप कंफ्यूज करेंगे, इसके ऊपर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। और ये हो गया अपर एंड ऑफ रेडियस। तो गाइस ये था, आपने सारी डायग्राम बनाने के बाद नीचे एक छोटा सा नोट एग्जामिनर के लिए वो लिखना है, FIG फिगर, जो मैं करता था ये मेरा इसी तरीका, अगर आप फॉलो करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। फिगर एनास्टमोसिस ऑन एल्बो जॉइंट। तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर मुझसे कोई भी गलती है, काइंडली कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें मुझे बताइए, और किस तरह मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ और किस टॉपिक के वीडियो बनाऊँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अपने लिए दुआ कीजिए और मेरे लिए भी दुआ कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।